अस्सलामुअलैकुम, हम आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल क्विक स्ट्रॉन्ग में। जी नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है कि हम आपको बताएं कि कौन सी डिक्शनरी सबसे अच्छी है उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। जो इंग्लिश में डिक्शनरी है वो ये है। जी आप इसका आइकॉन देख सकते हैं किस तरह आती है अभी जो अपन होने में, क्योंकि शुरू में इंग्लिश लिखा आता है। ठीक है, अबाउट हम इसका पढ़ते हैं। English 3.7 English Dictionary explain the meaning of English word। अब हम इस English Dictionary के बारे में देखेंगे कि ये किस तरह दिखाती है हमें वर्ड वगैरह, और ये किस तरह वर्क करती है, किस तरह शो करती है अपने मीनिंग्स वगैरह। जी कोई वर्ड देखते हैं, अबाउट देखते हैं हम वर्ड A B O U T, ये हमने सर्च किया अबाउट। जी सबसे पहले जो ऊपर आ रहा है अबाउट के साथ उसकी प्रोनंसिएशन भी आ रही है, मतलब की प्रोनंसिएशन चेक करते हैं। अबाउट जी ये प्रोनंसिएशन देती है, और ये देखें ये साथ ऑफलाइन भी चलती है। अगर हम इसका इंटरनेट बंद भी कर दें अपने वाईफाई का तो फिर भी ये चलेगी। अबाउट और दूसरा इसका फीचर ये है कि जितने भी आपके पास इस वक्त जो रिटन मटेरियल शो हो रहा है सामने लिखा हुआ, जो कुछ भी शो हो रहा है उसके मीनिंग्स वगैरह, उसकी एटमोलॉजी, वो सारा आपको ये खुद पढ़ के सुना सकती है जब आप ये वाला जो प्ले का बटन है इसको आप क्लिक करेंगे। About etymology 1 from middle english about abouten from old english abuten on baton from on plus buten from b plus utan preposition in a circle around all round on every side of on the outside of c 1604 to 1605 william shakespeare all's well that ends well। ये देखा आपने किस तरह मैंने इसको खुद स्टॉप कर दिया, वरना इसने पूरा एंड तक हमें पढ़ के सुनाना था। तो ये थी सबसे अच्छी डिक्शनरी इंग्लिश की। इसके अंदर इसके हमें मुख्तलिफ सिनोनिम्स भी मिल जाते हैं साथ साथ, और इसकी प्रोनंसिएशन भी मिल जाते हैं, और इसके सिनोनिम्स जो दूसरी लैंग्वेज में हैं इसकी ट्रांसलेशन वगैरह वो भी हमें दिखाती है कि फ्रेंच में इसको क्या कहते हैं, जर्मन में, इटालियन में, पोर्टुगीज़ में, रशियन में और स्पेनिश में। इस वाले ट्रांसलेशन के अंदर देख रहे हैं हम कि कितने वर्ड ये शो कर रही है, कितने ज़्यादा इसके अंदर ट्रांसलेशन शो कर रही है। अच्छा ये देखें कितने डिटेल में मीनिंग इसने बता रही है ये वाली डिक्शनरी। तो मैंने इसको बड़ी देर से इसको चलाया, मतलब कि मैं बड़ी अरसा हो गया इसको यूज़ करते हुए, तो मुझे ये सबसे अच्छी डिक्शनरी लगी है, और उसके बाद काफ़ी चीज़ें हमें इधर मिल जाती हैं। अब हम उर्दू से इंग्लिश या डिक्शनरी देखें तो वो सबसे अच्छी डिक्शनरी ये है। अगर हमें कोई किसी चीज़ का मीनिंग नहीं आता, उर्दू में नहीं पता चलता कि क्या चीज़ है, तो हम ये वाली डिक्शनरी सबसे अच्छी है, जो आपने स्टार्ट में लोगो भी पढ़ा होगा। तो इधर हम देखते हैं कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे कोई वर्ड अबाउट हमने लिखा था, अबाउट इधर लिख के देखते हैं A B O U T अबाउट। जी ये देखें चारों तरफ किसी मरकज़ के करीब मीनिंग आ गया अबाउट। About ये उर्दू में मीनिंग नहीं बोल के सुनाती, सिर्फ इंग्लिश में इसकी प्रोनंसिएशन दिखाती है। जी शुक्रिया, आज की हमारी जो था टॉपिक आज हमारा वो ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको पता चला होगा कि सबसे अच्छी डिक्शनरी कौन सी है।